चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। का सवाल यह है कि आज उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। जनता का सवाल यह है कि उनके अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। जनता का सवाल यह है कि पेट काट करके वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। अपने मुद्दों पर विचार कीजिए। आपको तरह तरह से वैसे मुद्दों में उलझाने की कोशिश की जाएगी जिससे आपके वास्तविक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जंग हम लोग जीतेंगे और भारी पसंद है। कन्हैया पसंद है, युवा है, नवयुवक है, हमारे बात को सांसद तक ले जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, जो भी दर्शक है, वोटर है, सब उसके प्रति सचेत है। किसको जिता रहे हैं आप लोग? कन्हैया को। कन्हैया को क्यों जिता रहे हैं? ये देश की आवाज है, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज़ है, सच बोलने वाला है, आज तक मोदी को सही जवाब देने वाला, सवाल पूछने वाला है। यही सवाल जवाब पूछा जिस पर इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। और सबसे बड़ा दुख की बात है, इस चुनाव में आज़ादी के बाद इस बार का चुनाव जो है राष्ट्रवाद और परिवारवाद पर मोदी जी नारा देते हैं। क्या राष्ट्रवाद? यानी हम बीजेपी को वोट देंगे तो हम राष्ट्रवाद हो जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ में वोट देंगे तो हम राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे? ये कैसा चुनाव हो रहा है इस देश में? सवाल ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं, तो फिर सरकार किस काम के लिए है? सरकारी प्रधानमंत्री का क्या काम है? अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था, कई साथियों ने बात कही कि लोग चुनाव के वक्त हाथ जोड़ करके आते हैं, चुनाव जीत करके दोबारा नहीं आते हैं देखने के लिए। लेकिन जो होता आ रहा है, क्या यही होगा या हम इसको बदलेंगे? ये सवाल हमको सोचना चाहिए। लेकिन अभी के जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उसमें घोर हताशा है। मोदी जी की जो खासतौर से अगर बात करें कि शिक्षा वर्ग 2 करोड़ मतलब रोजगार प्रतिवर्ष क्रिएट करेंगे, 5 वर्ष हो गया 10 करोड़ रोजगार का। इस देश की यह हालत है कि एक दिन में मात्र 429 रोजगार क्रिएट हो पाता है, ये सच्चाई है। बेरोजगारी की बात करें तो वो बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करने के बजाय जो विकिपीडिया पर बेरोजगारी की जो डाटा स्टेटिस्टिक्स है उसको गायब कर दी गई। ये 6,000 रुपया जो है, ये चॉकलेट है, बच्चा को चॉकलेट खिला रहे हैं, बच्चा को चॉकलेट खिला रहे हैं। तुम्हारे चुनाव घोषणा पत्र पर हम कैसे विश्वास करें? आगे बार कहे थे विदेश से काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपया बांटेंगे, एक आदमी को हिस्सा होगा 15 लाख। आपको तरह तरह से वैसे मुद्दों में उलझाने की कोशिश की जाएगी जिससे आपके वास्तविक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। आपका वास्तविक जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का दाम आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। और आपने मेहनत करके अपने बच्चों को जो पढ़ाई कराया है उसको काम मिलता है कि नहीं मिलता है, ये जनता का सवाल है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक अच्छा एकता बना हुआ था और इनके मंत्री जो है वो हमेशा जो है देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, कभी हिंदू पे हमला, कभी मुस्लिम पे हमला। मुस्लिम को तो छोड़ते नहीं है, जबकि हमको ऐसा नेता चाहिए। तो भारत के लोग की बात करें, हम लोग एकता से रहना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान में हमारे जो संसदीय क्षेत्र में जो खड़े हुए हैं कन्हैया कुमार, वो जीते। न सिर्फ जीते, इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो दलित, अल्पसंख्यक, बल्कि समाज में जितना भी तबका है, सर्वहारा वर्ग, उनकी आवाज़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह हम सबों की आवाज़ है, इसलिए हम उम्मीदवार कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। आपको क्या लगता है, चौकीदार से लड़ पाएगा? एकदम लड़ पाएगा, हम लोग साथ हैं। कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। संविधान को तोड़ने की और आपस में हिंदू मुसलमान करने की इनकी हर दंगाई कोशिश को नाकाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया कुमार।